अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मैं आप लोगों के साथ अगेन एक शेयर करने जा रही हूँ शॉपिंग व्लॉग, लेकिन इस व्लॉग में हो रही है ईद की शॉपिंग, मतलब हम कर रहे हैं ईद की तैयारी। यहाँ पर मैं आई थी स्टाइलो पर, और यहाँ पे देखें जी, सबसे पहले हमें नज़र आए थे ज्वेलरी और बैग्स, जो कि मैंने नहीं लेने, इसलिए मैं यहाँ से आगे चली गई। मैंने लेने थे कपड़े, तो मैं चलती हूँ कपड़ों की जानिब। आइए देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से स्टाइल्स हैं। पर एक फ़ायदा ये है कि यहाँ पर हर चीज़ अवेलेबल है, जैसे कि यहाँ पे आपको कुछ नज़र आ रही हैं कॉस्मेटिक्स की चीज़ें, यहाँ पर आपको रिवाज की भी चीज़ें नज़र आ रही हैं, और डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स की चीज़ें हैं यहाँ पे। यहाँ पर कपड़े भी हैं, कॉस्मेटिक्स, ज्वेलरी, सब कुछ। इवन यहाँ पर ये एक फ्लोर है, इसके बाद एक और फ्लोर है, अपर फ्लोर है इनका, वहाँ पर शूज़ हैं, और शूज़ में भी हर किस्म की वैरायटी आपको मिलेगी। आपको कैजुअल, पार्टी वेयर, ब्राइडल, हर किस्म के जूते यहाँ पे आपको मिल जाएंगे इसी शॉप में। इसका ये फ़ायदा है कि हम लोग यहाँ पे आते हैं तो अपनी ज़रूरत की हर एक चीज़ यहाँ से मिल जाती है। अब यहाँ पर मैं देख रही हूँ कुछ कपड़े, शर्ट्स देख रही थी, शर्ट्स मुझे ये अच्छी लग रही थी और मैंने यहाँ पे शर्ट्स ली थी। और एक मसला ये हुआ था यहाँ पर कि मैं शॉपिंग करने तो आई थी, लेकिन सिर्फ शर्ट ली और बस, बाकी मैं रिकॉर्डिंग करने के चक्कर में भूल गई कि मैंने अपनी शॉपिंग तो कंप्लीट ही नहीं की, और मैं सिर्फ एक शर्ट लेके घर आई, और जब मैंने घर आके देखा सबकी शॉपिंग कंप्लीट थी, सिर्फ मेरी रह गई। ये तो मेरे साथ होना था। चले अब मैं आपको दिखाती हूँ शर्ट्स जो कि मैंने देखी थी और मुझे अच्छी लगी, और इन्हीं में से मैंने शॉपिंग भी की थी, लेकिन जो मैंने खरीदी थी वो इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। इनके डिज़ाइन देखें कैसे लग रहे हैं आपको, और इसके बाद मैं जाऊँगी नेक्स्ट अनस्टिच ड्रेसेस की तरफ, वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। आइए चलिए देखते हैं अनस्टिच की वैरायटी क्या है और उसमें कौन कौन से डिज़ाइंस हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।